नमस्कार दोस्तों, लर्नओविट के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक अग्रवाल लेकर आया हूँ आपके साथ एपिसोड नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम डील कर रहे थे वेरियस ट्रीटमेंट एंड प्रैक्टिस पार्ट 2। पहले पार्ट 1 कर रहा था हमने एपिसोड नंबर 3 में, पार्ट 2 जिसके अंदर मैंने पहले वाले पार्ट में आपके साथ प्रोविजन फॉर टैक्स के ट्रीटमेंट को डील करा था बहुत अच्छे से। और आज मैं डील करने वाला हूँ आपके साथ ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर हमें फिक्स एसेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, फिक्स एसेट्स जो मिलेंगी बैलेंस शीट में या इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगी, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्लियर है ना। इसके मिलेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जिन्हें बोलते हैं, तो उनको कैसे डील करना है। देखिए, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना रखे हैं समझाने के लिए, ठीक है। इन बातों को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ, हमारे एपिसोड नंबर 1 में डील हो गई थी वाली बात, कि अगर हम फिक्स एसेट खरीदते हैं या इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा लगाना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाता है, और खरीदना इन्वेस्टिंग है तो बेचना भी इन्वेस्टिंग होगा, बोलो हाँ या ना। और उनके ऊपर कुछ अर्निंग वगैरह हो रही है तो वो भी इन्वेस्टिंग होंगी, याद आ रहा है। तो बेटा यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कशन हो जाएगा हमारा, जैसे जैसे हमारा एसेट के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट्स होंगे। चलिए शुरू करते मेरे बेटा, थोड़ा ऐसा पहले ले लेते जो आपको नज़र आए, ठीक, ये नज़र आ रहा होगा आपको। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे केस ए लगा रखा है, केस ए को देखेंगे तो क्या लिखा हो बेटा, जरूर देखो केस ए पढ़िए मेरे साथ। वेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन नॉट गिवन रिगार्डिंग फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, अगर आपको फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, मतलब आपको एक बैलेंस शीट दी जाएगी और बैलेंस शीट के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप कैसे डील करने वाले हो। बड़ा आसान है मेरे बेटा, बहुत आसान है। क्या लिखा है देखो, मैंने प्रॉपर एक क्वेश्चन बना रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना के दिखानी है, बस इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको दे रखा है एक प्रीवियस ईयर का डेटा और एक इधर का करंट ईयर का डेटा, एक इधर का प्रीवियस ईयर का डेटा और एक इधर का करंट ईयर का डेटा। अगर आपको याद हो, जब हम इंक्रीज डिक्रीज देखते थे तो कैसे देखते थे कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की ओर, मतलब हमारा रुख क्या होता था, हमारा रुख होता था प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की ओर चलते थे हम, क्लियर ही नहीं है। पूरी CFS में आपने यही करना है, पूरी बैलेंस शीट में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, हमेशा प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की ओर देखो, मतलब ये देखो पहले क्या था और अब क्या है, पहले क्या था और अब क्या है, या तो बड़ा होगा या घटा होगा, ये चीज़ देखना। हमारा रुख क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की ओर। अब इधर देखो, जैसे ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है, उल्टा मत देखना, हमारा तीर ये जाएगा प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की ओर, नजर आ रहा है प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की ओर, क्लियर, उल्टा मत कर देना तीर। देखो पहले प्लांट मशीनरी कितनी थी, 8.5 लाख रुपये की थी, यहाँ पे पहले प्लांट मशीनरी कितनी थी, 8.5 लाख रुपये की थी, दिख रहा है। और अब प्लांट मशीनरी कितनी होगी मेरे बेटा, 10 लाख की हो गई, बोलो हाँ या ना। इनकी प्लांट मशीनरी 8.5 लाख से 10 लाख की हो रही है, मतलब प्लांट मशीनरी बढ़ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूँ एसेट कब बढ़ती है, बोलो एसेट कब बढ़ती है, जब तुम एसेट को क्या करते हो, परचेज, क्या करते हो मेरे बेटा जी, परचेज। कितने रुपये की बढ़ी है, 1.5 लाख रुपये की। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी एसेट, इधर देखो यहाँ लिखते हैं, नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है, हमारी एसेट 1.5 लाख से बढ़ रही है, बोलो हाँ या ना। तो हम क्या लिखेंगे इन्वेस्टिंग में, यह लिख देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते वक्त, परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब देखो परचेस करने दे, देखो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो दिमाग लगा लेना मेरे बेटा जी, पैसे का आना और जाना देखेंगे, पैसे का आना और जाना। एसेट परचेस करते हैं, प्लांट मशीनरी परचेस कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो क्या लिख देंगे, विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कि माइनस की फिगर, ठीक है ना, प्लस यानी कि आना, ब्रैकेट यानी कि माइनस इनकी जाना, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, कई बच्चे सोचते हैं, मैंने कई बार बच्चे तो पूछते हैं ना कि बेटा प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो तो पैसा आ रहा है जा रहा है, बच्चे बोलते हैं आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी आ रही है बट पैसा तो जाता है, सीधी थिंकिंग रखना। इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट पहले कितनी थी, 40, और अब कितने हो गए, 1 लाख, अगेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गए तो क्या निकल कर आया मेरे बेटा, ये भी परचेजेस, कितने रुपए की, 60,000 रुपये की, तो क्या लिखोगे, बढ़ रही है तो परचेज, घट रही है तो सेल, ये मान लेना, परचेज ऑफ
परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा 60,000 रुपये विद इन ब्रैकेट। ऐसी लैंड, लैंड देखो 2 लाख से 1 लाख ये घट रही है, जमीन घट रही है। अब देखो जमीन घटने के पीछे दो कारण होंगे, या तो देखो जमीन के ऊपर क्या लगा, डेप या सेल। लेकिन ये बात आपको पता है कि लैंड के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ठीक है ना। देखो जमीन 2 लाख है, एसेट 2 से 1 हो रही है, एसेट घटने के पीछे दो कारण हो सकते हैं, या तो एसेट बेची है या डेप्रिसिएशन, बोलो हाँ या ना। अगर आप डेप्रिसिएशन मानोगे, अगर आप डेप्रिसिएशन मानोगे इसे, तो कहाँ लेके जाओगे, ऑपरेटिंग के अंदर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एपिसोड नंबर 2 एक्सपेंस में ऐड कर दोगे। और सेल मानोगे तो एसेट खरीदना इन्वेस्टिंग, एसेट बेचना भी इन्वेस्टिंग। लेकिन यहाँ पे हमें सेल ही माननी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसेट क्या है, लैंड, और हम क्या मानते हैं, एसेट के ऊपर लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। 1 लाख रुपए की सेल, यहाँ लिख दोगे सेल ऑफ लैंड 1 लाख रुपए, ये पॉजिटिव। अब देखो आप यहाँ पे आंसर निकाल देना मेरे बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा निकल के बाहर, निकालना जरा। 1.5 लाख नेगेटिव, 60,000 नेगेटिव, ये नेगेटिव का आएगा 1,10,000, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या, मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे नेट, लिखना सीख लो, नेट कैश यूज्ड इन, यूज नेगेटिव यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यूज हुआ है पैसा, पैसा यूज हुआ है तो पैसा गया है, गया है तो नेगेटिव। यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्लियर है, यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बात क्लियर हो गई। मतलब सीधी सी बात है, बढ़ रहा है तो परचेज, घट रहा है तो सेल, और घटने के पीछे एक लॉजिक और भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन ना, तो जो तुम्हारा मन करे वो मान लेना, ठीक है। आ जाइए अब आते मेरे बेटे कहाँ पर, केस नंबर बी पे, वेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट, अगर एसेट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है तो क्या होगा। तो देखो एक बात समझ लेना मेरे बेटे जी, अगर आपको एसेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है तो बेटा तरीका ये कहता है कि आप उसका अकाउंट ओपन कर दो। तो एक बार समझ लेना, अगर किसी भी फिक्स एसेट्स, बोलो किसी भी फिक्स एसेट्स के बारे में जो बैलेंस शीट में गिवन है उसके बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखते रहो स्क्रीन पे, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आप क्या करोगे, उस एसेट्स का अकाउंट ओपन कर दोगे, उस एसेट्स का अकाउंट ओपन कर दोगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, अगर एसेट्स की इन्फॉर्मेशन बाहर गिवन है तो क्या कर दो, अकाउंट ओपन कर दो, क्लियर है। अब जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, ये प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर, इसे आप ओपनिंग और इसे आप क्लोजिंग भी कहते हो, याद है ये नहीं है, क्लियर है। चलिए तो देखो अब आपको प्लांट एंड मशीनरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो क्या करो, अकाउंट ओपन कर दो। प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है बेटा, एसेट्स, एसेट्स क्या होती है मेरे बेटा जी, डेबिट, जिसका नेचर डेबिट का, उसका ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट का, बीडी बैलेंस, इसे बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, बोलो आइए ना। तो क्लोजिंग यहाँ आएगा बाय बैलेंस सीडी, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, क्लियर है। आगे चलते हैं, उसके बाद देखो अगर आप परचेज करोगे एसेट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू कैश या बैंक अकाउंट, एसेट आएगी, बोलो आइए ना, परचेज, अगर परचेज, और अगर सेल करते हो तो यहाँ बाय कैश या बैंक सेल। देखो मैं पूरा फॉर्मेट समझा रहा हूँ, एसेट आ रही है तो डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेल करने से या तो होगा लॉस या होगा प्रॉफिट, आपने सीखा होगा 11th क्लास के अंदर आप लॉस को लिखते थे बाय पीनल करके, बट मैं यहाँ पे लॉस ऑन सेल लिख रहा हूँ, और प्रॉफिट यहाँ आता था प्रॉफिट ऑन सेल, बोलो हाँ ये ना, क्लियर है ये नहीं है, क्योंकि यहाँ का डेबिट होता था और पीनल का क्रेडिट होता था, यहाँ का क्रेडिट होता था पीनल का डेबिट होता था, क्योंकि प्रॉफिट लॉस कहा जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, अगर एसेट्स के ऊपर क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन, तो यहाँ आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखो, जो नहीं है वाड़े में जाने दो। एग्जाम्पल, ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आता है, प्रीवियस ईयर से, और क्लोजिंग इनकी करंट ईयर। देखो प्लांट का ओपनिंग कितना है मेरे बेटा जी, 8.5 लाख देख लो, और क्लोजिंग कितना है मेरे बेटा जी, 10 लाख, बोलो हाँ या ना। फिर क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन कितना है मेरे बेटा जी, 50,000, बोलो हाँ या ना।
ये डेप्रिसिएशन आ गया आपके ऊपर, बोलो हाँ या ना। ये हो गया, आगे चलते हैं। प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू 60,000 रुपये, वो सोल्ड फॉर 40,000। आप ये मानो कि एक 60,000 की थी एसेट, वो 60,000 की मशीन इसमें ऐड है, ये मानो इसमें ऐड है, इसके अंदर है 60, यहाँ जगह नहीं बच रही मेरे पे, ठीक है, यहाँ मानो इसके अंदर ही ना दो मशीन है, एक तो 60 वाली मान लो और 90 ये मानो, और इसमें तो जो 60,000 वाली मशीन है ना वो बेच दी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट सेल, कितने में सेल कर दी, 40,000 में सेल कर दी, कहाँ सेल कर दी, 40,000 के अंदर सेल कर दी। अब बताओ 60 की मशीन 40 में जाएगी तो क्या निकला, 20 का लॉस। देखो 60 में से 40 गए तो क्या निकला, लॉस। और अगर ऑब्वियसली बात है ये फॉर एग्जाम्पल अगर 65 की बिक जाती तो तुम क्या बोलते, 65 में से 60 गए तो तुम यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट लिख देते, बोलो हाँ या ना। बट फिलहाल अभी यहाँ पे ऐसा होने वाला नहीं है, क्लियर है, आई बस अभी नहीं आई, आ गया ठीक। अब लॉस हुआ है तो प्रॉफिट तो होने तरह क्योंकि एक ही चीज़ होगी बस, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है प्लांट एंड मशीनरी के बारे में, पढ़ के देख लो ये लैंड से रिलेटेड है, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, क्लियर है। अब देखो आपको इससे क्या पता लगेगा हम अकाउंट क्यों बना रहे हैं, ये देखो अगर मैं इनको ऐड कर दूँ, ऐड करो 40, 20, 50 और 10 लाख दिख रहा है, और मैं लेस कर दूँ इसको 8,50,000 को, तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है 2,60,000 की, वो पता क्या है, बैलेंसिंग फिगर। क्या पता लग गया, हमने एसेट कितनी परचेज करी है, मतलब इस क्वेश्चन में परचेज के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो हमने फाइंड करी है, और फाइंड करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। अब देखो इन चीज़ों को आपको करना क्या है मेरे बेटे जी, यहाँ से उठा के कहाँ पे लेना है, CFS के अंदर। तो देखो CFS में क्या होता है, BD और CD कभी कहीं नहीं जाएगा, BD CD कहीं नहीं जाता, याद है ऐसा प्रोविजन टेस्ट में बोला था, तो बोलेंगे BD CD कहीं नहीं जाता, इसमें तेरा क्या घाटा, क्लियर है, BD CD कहीं नहीं जाता। अब देखो अगर आप एसेट परचेस कर रहे हो, क्या परचेस कर रहे हो मेरे बेटा जी, एसेट परचेस कर रहे हो, ठीक है, प्लांट या मशीनरी परचेस कर रहे हो, तो परचेस करना क्या हुआ, इन्वेस्टिंग, परचेस करने से होगा पैसा जाएगा तो इन्वेस्टिंग में माइनस, परचेस करना इन्वेस्टिंग तो सेल करना भी इन्वेस्टिंग, सेल करने से पैसा आता है इन्वेस्टिंग में प्लस, बोलो हाँ ये ना। और ये जो लॉस और डेप्रिसिएशन है, ये लॉस और डेप्रिसिएशन है, बताओ ये क्या होगा, बोलो 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 क्या होगा। देखो लॉस भी और डेप्रिसिएशन भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर PNL के अंदर खर्चे मान के माइनस कर दिए गए होंगे, सोचो एपिसोड नंबर 1 की, एपिसोड नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, PNL अकाउंट में खर्चे मान के लॉस को भी और डेप्रिसिएशन को भी खर्चे मान के तुमने डेबिट कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा, जो कि डेप्रिसिएशन से और लॉस से कोई पैसा जाता नहीं है, बिना बात की लेस है, तो क्या कर दोगे, ऑपरेटिंग में ऐड कर दोगे, कहाँ पे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग में, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है। सेम इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है नहीं, लेकिन अगर प्रॉफिट होता तो क्या होता, प्रॉफिट से कोई पैसा आता नहीं है लेकिन फिर भी तुमने उसे PNL में इनकम मान के ऐड कर दिया होगा, बिना बात की ऐड है, तो ऑपरेटिंग में क्या करवा देंगे, लेस, कहाँ पे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर, क्या मेरी बात क्लियर हो गई, ये इनकी प्लेसिंग हो गई। सिमिलरली मेरे बेटा लैंड का करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है लैंड, लैंड आपको ओपनिंग 2 और क्लोजिंग 1,00,000 दे रखा है, लैंड भी क्या होती है मेरे बेटा हमारी एसेट्स, एसेट्स क्या होती है मेरे बेटा डेबिट, जिसका नेचर डेबिट का उसका ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट का, ओपनिंग यानी कि BD प्रीवियस ईयर, CD यानी कि क्लोजिंग करंट ईयर, ओपनिंग दे रखा है आपको प्रीवियस ईयर 2,00,000 और करंट ईयर 1,00,000 क्लोजिंग, बोलो आए ना, क्या लिखा है मेरे बेटा नीचे पढ़ते हैं जरा, लिखा क्या है, आपने जमीन बेच दी है 60,000 के प्रॉफिट पर, भैया आपको दे रखा है प्रॉफिट, मैंने बताया ना प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल, अच्छा जमीन के ऊपर ना जमीन परचेस कर सकते हो सेल कर सकते हो, डैप नहीं लगेगा, आपको प्रॉफिट दे रखा है 60,000 रुपये का, बोलो हाँ ये ना, यही है बस बस बस। अब देखो 260 और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, माइनस 1,00,000 ना परचेस के बारे में ना सेल के बारे में, पता इसमें क्या पता लग गया, इसमें पता लग गया बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, क्या पता लग गया, सेल के बारे में पता लग गया कि आपने जो एसेट बेची है वो कितने की बेची है, आपने 160 की बेची है और 60 का प्रॉफिट कमाया है, बोलो हाँ या ना। अब बस यहाँ से अमाउंट उठा के कहाँ डालोगे, इन्वेस्टिंग, और जहाँ जहाँ जानी चाहिए CFS में डालेंगे, BD CD
कहीं नहीं जाता, हमेशा दो बी डी सी डी कहीं नहीं जाता, इसमें तेरा क्या घाटा। क्लियर है? अच्छा, जमीन परचेज करना इन्वेस्टिंग, तो सेल कर रहे हैं यहाँ तो हम, तो सेल करना भी इन्वेस्टिंग, सेल करने से क्या हुआ पैसा आएगा, इन्वेस्टिंग में ऐड, सेल करने से क्या हुआ हमें प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम मान के ऐड कर दिया गया होगा। बोलो हाँ या ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनकम मान के ऐड कर दिया होगा, जबकि इससे कोई पैसा आता नहीं है, तो बिना बात की ऐड क्या कर दोगे ऑपरेटिंग में माइनस, जैसे मैंने ऊपर बताया था ये रहा, ठीक है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। बात क्लियर हो गई, जगह बता रहा बेटा जी, ये समझना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, ये हो गया, ऐसे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग है 40, क्लोजिंग है 1 लाख, पहले लिख देते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या होती है मेरे बेटा हमारी एसेट्स, एसेट्स क्या होती है मेरे बेटा हमेशा डेबिट, जिसका नेचर डेबिट का उसका ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट का, ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर, यह आ गया आपका 40, ये आपका आ गया 1 लाख। अच्छा, अब लिखा गया देखो इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट देयर नो इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, कह रहे इस साल आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेची नहीं है, तो पता लग तो रहा है 1 लाख माइनस 40, यहाँ डिफरेंस निकल कर आ रहा है सीधा सीधा, क्या पता लग रहा है बस, जी इन्वेस्टमेंट बेची नहीं है ना, बेचने के लिए मना करा गया है, यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट सिर्फ खरीदी है, मतलब 40 की पहले थी 60 की और खरीदी 1 लाख की हो गई, 40 की थी 60 की खरीदी 1 लाख की हो गई। बोलो हाँ या ना, अगेन बी डी सी डी कहीं नहीं जाता, इसमें तेरा क्या घाटा। इन्वेस्टमेंट खरीदना इन्वेस्टिंग, बेचना इन्वेस्टिंग, सेम ऊपर की तरह कोई नई बात नहीं है, परचेस करेंगे तो पैसा जाएगा। देखो मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर रखा है सिर्फ इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग वाला, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो 3 मैंने अकाउंट बनाए हैं आपके लिए, इन 3 अकाउंट से सिर्फ इन्वेस्टिंग वाली पॉइंट उठा उठा के यहाँ डाल देंगे। जैसे कि पहले हम प्लांट पकड़ते हैं, प्लांट खरीदा ये रहा 2.5 लाख, सॉरी 260 का परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लिखो जी यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, बोलो ना इन्वेस्टिंग में माइनस। चलो जी, अगर परचेज करना इन्वेस्टिंग है तो देखो ये रहा सेल, प्लांट मशीनरी सेल भी करी है 40 की, सिर्फ परचेज सेल आएगी यहां पे, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना मेरे बेटा 40। बोलो आए ना, ठीक है, बाकी तो ऑपरेटिंग में जाने वाला मैटर है। ऐसे ही जमीन, जमीन का पकड़ते हैं, जमीन सिर्फ सेल करी है, परचेस नहीं करी, कितने की 160 की, क्या लिखेंगे सेल ऑफ लैंड 1,60,000 पैसा आएगा ऐड। क्लियर है? बस, और इन्वेस्टमेंट परचेस करिए खाली, कितनी परचेस करी देखो ये रही 60 की, बस उठा के पेलना है पेलना है पेलना है, ठीक है, और कोई मैटर नहीं है। देखो जी और कोई मैटर नहीं है, सिर्फ सेल परचेस इन्वेस्टिंग वाला, देख लो 1, 2 है ना 3 और ये रहा 4, बस 4 आइटम जाने थे चले गए। करो जी परचेस करने पैसे आएगा, ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना मेरे बेटा, एक जगह ब्रैकेट गलत कर दिया तुमने मामला बिगड़ जाएगा तुम्हारा, याद रखना मेरे बेटा जी 40 या नेगेटिव का 120, ये नेगेटिव का 120 आ रहा है, और नेगेटिव का मतलब क्या है मेरे बेटा जी, बोलो, बताया था मैंने ऊपर ही नेट कैश यूज वाई यूज, और अगर ये पॉजिटिव होता तो फ्लो लिखता, फ्लो फ्रॉम यूजिंग, फ्लो फ्रॉम यूज इन इन्वेस्टिंग, नेगेटिव आ रहा है तो यूज इन, और पॉजिटिव आ रहा है तो फ्लो फ्रॉम। क्लियर है? तो ये तो एक तरीका हो गया, अब आते हैं दूसरी तरफ, ये एग्जाम्पल और है, ये अलग एग्जाम्पल है, सुनना। अभी तक अगर आपको याद हो आपने प्लांट मशीनरी अकाउंट बनाया, अगर आप देख रहे होंगे तो सिर्फ और सिर्फ खाली और खाली प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट मशीनरी अकाउंट,
क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ ये ना, ठीक है। लेकिन सुनो मेरे बेटा जी, सुनो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये है बड़ा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर दो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर दो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, ये देखना जरा। यहाँ पर देखो लिखा क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अच्छा ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्यों पता लग जाएगा आपको? अगेन भाई, प्रीवियस ईयर का मैटर दे रखा है, करंट ईयर का मैटर दे रखा है, ठीक है। पेन का कलर सर चेंज कर देता हूँ, हो सकता है आपको नजर ना आ रहा हो। हाँ जी, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, बात क्लियर हो गई? तो मशीन दे रखी है, मशीन का तो वो दे के रखा है, ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और देखो मशीन के ब्रैकेट में लिखा है कॉस्ट, अगर ये कॉस्ट ना भी होता तो भी हम कॉस्ट मानते। क्यों मानते? क्योंकि साथ में एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है। अब ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बवाल है? कहने को कई स्कूलों में 11th क्लास में पढ़ा देते हैं, और कहने को नहीं भी पढ़ाते कई स्कूलों में, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर मेरे पे ये ब्लैंक पेपर है, यहाँ पे देखना प्लीज़ मेरे बेटा, थोड़ा सामने देखना। अगर आपको एक चीज़ क्लियर होगी ना तो बहुत अच्छे से क्लियर होगी, इस बात की गारंटी है। ऐसा कर दूंगा कि आप गलती दोबारा नहीं करने के। देखो नॉर्मली सब ने ये चीज़ सीखी हुई है, आप मशीन अकाउंट बनाओ, फर्नीचर अकाउंट बनाओ, प्लांट अकाउंट बनाओ, आप कोई भी अकाउंट बनाते थे। समझना जरा, जैसे मैंने बोला एसेट डेबिट व्हाट कम्स इन, आप 11th क्लास में क्या करते थे जो डेप्रिसिएशन सीखते थे? 1,00,000 रुपये यहाँ लगाते थे, और जैसे डेप लग रहा है 10% का सपोज, तो 10,000 का डेप लगा दिया, फिर आप लिखते थे बाय बैलेंस सी डी। इस कहानी को मैं सिर्फ 3 साल तक लेके जाऊंगा, 4 साल तक ले लीजिए, चलो ये बच गई एसेट की वैल्यू 90 है, ठीक है मेरे बेटा। आगे चलें, फिर ये आ जाता है आपको टू बैलेंस बी डी 90,000, बोलो आइए ना। फिर अगले साल फिर डेप लगता था, सपोज एस एल एम मैथड फॉलो कर रहे हो तो 10,000 का डेप लगता था। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, बाय बैलेंस सी डी कितना हो गया मेरे बेटे ये 80 टोटल। फिर टू बैलेंस बी डी 80 बाय अगेन डेप, क्या है ये मेरे बेटा 10 का डेप। फिर सी डी आ जाता 70। इस सीडी का मीनिंग भी 2 मिनट के अंदर पढ़ना सिखा दूंगा, 3 साल तक ही बहुत है, नहीं तो अननेसेसरी हम बड़ा ही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना जरा, पेन का कलर चेंज कर लिया मैंने, देखिएगा जरा मेरे बेटा, समझना जरा। देखो इतनी एसेट थी, इतनी यूज करी, इतनी बची, जो बची अगले साल गई। फिर 90 में से 10 यूज हुई, 80 बची, फिर वो अगले साल गई, फिर 80 में से 10 यूज हुई, ठीक है ना, 70 बची, फिर वो अगले साल गई, ऐसे होता था। फिर डेप ऐसे चलता चला जाता था, बोलो हाँ ये ना। इसमें एक खासियत बताऊँ, वो क्या रहा है, एसेट पहले 1,00,000 की दिखी, फिर 90 की दिखी, फिर 80 की दिखी, और फिर 70 की दिखी। एसेट की वैल्यू लगातार घट रही है, क्या हो रही है, लगातार घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है ना। ये जो 1,90,000, 80,000, ये क्या है, इसे बोलते हैं WDV वैल्यू। क्या बोलते हैं? W रिटेन डाउन वैल्यू, या आप इसे बुक वैल्यू भी कहते हो। इनकी WDV वैल्यू का मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू या WDV वैल्यू, रिटेन डाउन वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वाली वैल्यू जो घटती नजर आती है, उनकी रियल वैल्यू, रियल वर्थ एसेट की, ठीक है। अब इसमें एक अकाउंट था खाली, बोलो हाँ ये ना। अब अगर मैं यहाँ पे ना बवाल मचा दे दो, बवाल, ठीक है। एक तरीका क्या होता है, कईयों ने सीखा होगा, कईयों ने नहीं सीखा होगा, सीखा होगा भूल गए होंगे, नहीं सीखो तो सीख लीजिएगा। भाई आया सिखाने के लिए, भाई, भाई सिखाएगा भाई, ठीक है। यह मशीन, ठीक है, ये मशीन है, और इसके साथ खुलेगा एक अकाउंट और जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो, इसे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हो। ये क्या है जरा बताएंगे भैया आप हमें? अरे हाँ बेटा सब बताऊंगा मैं तुम्हें, सब बताने तो आया हूं। देखो जी, एसेट खरीदी डेबिट बोर्ड कम्स इन, जैसे पहले करते थे वैसे अब भी किया, टू बैंक अकाउंट कितने रुपए? 1,00,000 रुपये। एक साल बीता, डेप लगा, नॉर्मली डेप अब यहां लगाते थे पहले, बोलो आइए ना, यहां पे डेप लग गया अलग, बाय डेप, डेप तो लगा है अलग, पहला साल क्लियर है? क्लियर है? चलते हैं, अगला साल हुआ करेंगे सीडी, बाय बैलेंस सीडी 1,00,000 रुपए, टू बैलेंस बीडी 1,00,000 रुपए, ऐसे यहां कर दूं, टू बैलेंस सीडी 10,000 रुपए, बाय बैलेंस बीडी 10,000 रुपए, क्लियर है? फिर लगाओ, सेकंड ईयर आया, अगेन डेप लगेगा, बाय डेप लगाया, फिर डेप 10, सेकंड ईयर खत्म, थर्ड ईयर में प्रवेश, सीडी बीडी 1,00,000 रुपए, टू बैलेंस बीडी 1,00,000 रुपए, टू बैलेंस सीडी ये हो गया 20, बाय बैलेंस बीडी 20, अगेन थर्ड ईयर आया, थर्ड ईयर यूज हुआ, एंड आया, डेप लगा कितना? 10, थर्ड ईयर खत्म, बाय बैलेंस सीडी 1,00,000 रुपए, फोर्थ ईयर में प्रवेश, टू बैलेंस बीडी 1,00,000 रुपए, टू बैलेंस सीडी 30,000 रुपए, बाय बैलेंस बीडी 30,000 रुपए, बोलो हाँ या ना। अब देखो थोड़ा छोटा करके देखो, दिखना तो पड़ेगा, देखो यहाँ पे हो क्या रहा था, यहाँ पे ये हो रहा था, एसेट की वैल्यू लगातार, देखो इस वाले केस में एसेट की वैल्यू लगातार घटती नजर आ रही थी क्योंकि डेप, यहाँ पे देखो एसेट कितना था, एक लाख, एसेट वैल्यू लगातार 1,00,000 दिख रही है, घट नहीं रही, एसेट वैल्यू घट क्यों नहीं रही? क्योंकि डेप तो लग रहा है लेकिन डेप नजर नहीं आ रहा, पहले डेप इसी अकाउंट में लगता था, बोलो हाँ या ना, पहले डेप इसी अकाउंट में लगता था तो लगातार एसेट वैल्यू घटती हुई नजर आती थी, अब डेप लग तो रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा डेप, क्योंकि अलग जा रहा है, अलग रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ईयर बाय ईयर एसेट की वैल्यू कम हो रही है, डेप लग रहा है बट नजर नहीं आ रहा, बस अंतर ये है, क्लियर है ये नहीं है? और दूसरी खासियत क्या होती थी, देखो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनता नहीं था, यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा करना, मतलब जैसे जैसे तुम एसेट को यूज करते रहोगे उसके ऊपर डेप लगता रहेगा और जो डेप लगता रहेगा वो लगातार इकट्ठा होता रहेगा, क्लियर ही नहीं है? मतलब देखो पहले साल 10, फिर 20, फिर 30, देखो मतलब 3 साल हो गए, 3 साल में 30,000 का डेप लग चुका है, 3 साल में 30,000 लगातार डेप इकट्ठा होता वो नजर आएगा, यहाँ वो नजर नहीं आता। इससे क्या पता लगता है कि मशीन जितने में खरीदी है उसकी कॉस्ट, मशीन जितने में खरीदे वो यहाँ नजर आएगी और उसके ऊपर लगने वाला डेप सब एक जगह इकट्ठा होता रहेगा, बात क्लियर हुई? नहीं हुई? यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्लियर है ये नहीं है? यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे बेटा जी, एसेट पहले 1,00,000, 10 का डेप, 90, फिर 10, फिर 80, फिर 10, फिर 70, फिर 10, 60, लगातार घटेगा मामला, यहाँ नहीं होगा, ठीक है? तो यानी कि मैं एक तरीके से मान के चलता हूँ, सुनना मेरे बेटा जी प्लीज सुनना, हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ एसेट की कॉस्ट 1,00,000 रुपए है, कोई एसेट है जिसकी कॉस्ट कितनी है मेरे बेटा जी, 1,00,000 रुपए है और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप लगा हुआ है 40,000 रुपए का सपोज, हाँ ये ना,
तो यानी कि 1 लाख के सेट है, 40 का डेप लग चुका है, मतलब इसको बोलते हैं डब्ल्यू डी वैल्यू, मतलब उसकी रियल वैल्यू कितनी है डेप हटाने के बाद 60। तो देखो सुन लो मेरी बेटा जी, सुन लो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, या तो ये होगा कि इस ये दो अकाउंट बनेंगे अलग अलग, यहाँ पे क्या होगा मशीन अकाउंट अलग बनेगा जिसमें 1 लाख रुपये नज़र आएंगे, ठीक है ना, और एक्यूमुलेटेड डेप अलग बनेगा जिसमें इसके ऊपर जो डेप है वो अपोजिट में नज़र आएगा, हाँ है ना, या तो इनके अकाउंट बनेंगे या इसका एक अकाउंट बनेगा जिसे बोलते खाली मशीन अकाउंट, सीधा मशीन में कितना दिखा दो 60। बात क्लियर हुई नहीं हुई? अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा अकाउंट बनाना है, तुम्हें दो अकाउंट बनाने हैं, तुम्हें एक अकाउंट बनाना है, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना। अब हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में, मैंने बोला ना देखो अभी ऊपर एग्जाम्पल बना के दिया तो है मैंने आपके लिए, क्या दिया देखो एग्जाम्पल बना के दे तो रखा एग्जाम्पल, अगर आपको बैलेंस शीट में मशीन एसेट भी दे रखी है और साथ ही में उसका एक्विटी डेप भी दे रखा है तो दोनों बनाना, अगर आपको बैलेंस शीट में दोनों चीजें दे रखी है मशीन भी और एक्विटी डेप भी तो दोनों बनेंगे, और केवल मशीन दे रखी है तो खाली मशीन अकाउंट बनेगा, क्लियर ही नहीं है। दूसरी बात ध्यान में रखना, अगर मशीन और एक्विटी डेप दोनों बना रहे हो, मशीन और एक्विटी डेप दोनों बना रहे हो, तो मशीन का मतलब होता है कॉस्ट, कॉस्ट यानी मशीन जितने में खरीदी थी यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू होगी, और उसके ऊपर लगने वाला टोटल डेप वो नीचे होगा, इसके ऊपर जितना डेप लग चुका है वो सारा नीचे होगा, और खाली मशीन अकाउंट होगा, खाली मशीन अकाउंट, क्लियर है, जैसे ऊपर बना रहे थे केवल मशीन अकाउंट होगा, जैसे केवल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने डेप की, तो उसे बोलते हैं ये बुक वैल्यू पे मेंटेन है, बुक वैल्यू यानी कि डब्ल्यू डी वी वैल्यू पे मेंटेन है जिसमें डेप ऑलरेडी लेस है। बात क्लियर हुई, आई बात समझ में नहीं आई, चले मेरे बेटा आगे चलिए जी। अब बेटा लिखा गया है यहाँ पे लिखते हैं अगेन, मशीन होती है हमारी एसेट, एसेट होती है डेबिट, जिसका नेचर डेबिट का, ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट का, ओपनिंग है 5 लाख, क्लोजिंग है 550 प्रीवियस ईयर करंट ईयर। एक्युमुलेटेड डेप का नेचर, जिसे हम प्रोविजनल डेप भी कहते हैं, उल्टा होता है, इसका नेचर होता है क्रेडिट का, तो बी डी क्रेडिट में और सी डी डेबिट में, उल्टा, यह हमेशा एसेट का अपोजिट चलेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन एसेट के विरुद्ध चलता है, 170 और 1 लाख। बात क्लियर हो गई? उसके बाद देखो क्या लिखा है इन्होंने, कह रहे ड्यूरिंग द ईयर, इस पूरे साल के दौरान मशीन कितने की थी, 50,000 की थी, कॉस्टिंग लिखा है, कॉस्टिंग ध्यान से पढ़ना, मशीन जो खरीदी थी 50 की, वो कॉस्टिंग यानी कि वो मशीन पता है कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूडेड है, यहाँ पे टुकड़े कर दो, 4,50 अलग कर दो और 50 अलग कर दो, ये वाली मशीन, ये 50 वाली मशीन, ठीक है ना। अब इस 5 लाख में कितनी मशीनें हैं, एक है मशीन, दो है, तीन है, चार, मुझे नहीं पता, बस मुझे पता है इसमें 50 वाली मशीन और 4.5 की, 50 वाली क्यों अलग कर दी, क्योंकि वो बेचने वाला हूँ मैं, ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप, उसके ऊपर डेप कितना लग चुका है, 20,000 का डेप लग चुका है, वो सोल्ड फॉर 26। देखो अगेन वही वाली बात है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट बना रहा हूँ, जिसे मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मशीन जो कि कितनी की थी, 50 की थी कॉस्ट, 50, उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप, ये डेप एक्यूमुलेटेड डेप लग चुका है, लगाया नहीं है, लग चुका है मेरे बेटा, एक्यूमुलेटेड डेप, इसके ऊपर डेप लग चुका है 20,000 रुपये का, बोलो हाँ या ना, कितना डेप लग चुका है मेरे बेटा 20, ठीक है, तो वैल्यू कितनी रह गई मेरे बेटा अब इसकी 30, इसे बोलते हैं डब्ल्यू डी वी वैल्यू या बुक वैल्यू, मतलब उसकी रियल वैल्यू कितनी है अब 30, अब 30 की एसेट को 30 का बेच दूंगा तो ना होगा प्रॉफिट ना होगा लॉस, और 30 की एसेट को सस्ता बेचूंगा तो लॉस और ज़्यादा बेचूंगा तो प्रॉफिट। तो बेटा मैंने क्या करा, मैंने सेल कर दी कितने में, ओए होए 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 26 में, तो मुझे क्या हो रहा है 4,000 का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे बेटा मुझे 4,000 का लॉस हो रहा है, 4,000 का लॉस हो रहा है। अब मुझे इसी चीज़ को क्या करना है मेरे बेटा, ऊपर प्रेजेंट करना है, क्या करना है मेरे बेटा जी, ऊपर प्रेजेंट करना है। देखो यानी कि देखो मशीन है 50,000 की, डेप लग चुका है 20, वो इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, तो 1.5 लाख अलग कर दो और 20 का डेप अलग कर दो, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब बेटा मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट लॉस, एक बार देखना मेरे बेटा जी, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए तुमने 3 चीज़ों का यूज़ करा है, कितनी चीज़ों का यूज़ करा है, 3, एसेट कितने में खरीदी, कितने में खरीदी कॉस्ट, कितने में बेची सेल वैल्यू, और कितना डेप लग चुका है वो, ये 3 चीज़ें चाहिए, पहली दूसरी
तीसरी कितने में खरीदी, कितने बेची, कितना डैप, कितने में खरीदी, कितने बेची, कितना डैप, कितने में खरीदी, कितने बेची, कितना डैप, कितने में खरीदी 50, कितने बेची, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, बाय कैश या बैंक अकाउंट, कितने बेची मेरे बेटे जी से हमने 26 में बेची। अच्छा इसके ऊपर कितना डैप लग चुका है वो नीचे है। देखो अगर आप एसेट को बाहर कर रहे हो, अगर आप एसेट को बाहर कर रहे हो तो उसके डेप को भी बाहर करो। बेटा डेप कहां पर है, क्रेडिट में। डेप कहां पर है, क्रेडिट में। बाहर करने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट। डेप कहां पर है, क्रेडिट में। बाहर करने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट टू। और कहां भेज दोगे, ऊपर भेजना है। अब देखो इसे समझने का तरीका क्या है, मशीनरी अकाउंट, ठीक है, ट्रांसफर, ठीक है ना, ट्रांसफर। ये पूरा 20 बाहर कर दिया, यहां का डेबिट, यहां का क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप 20। क्या मेरी बात क्लियर है, मैं बैंक का कलर चेंज कर रहा हूं, बोलो हाँ या ना। आप ये मानो, आप ना यहां पे ये मानो, ये दीदी है, दीदी देखो ने, ये है दीदी और ये है जीजा जी, जीजा जी, ये कौन है, जीजा जी, ठीक है ना, जीजा जी आए, जीजा जी आए, जीजा जी आए, दीदी है दीदी, दीदी दीदी दीदी, जीजा जी आए दीदी को ससुराल ले गए, बोलो आएंगे ना, जीजा जी आए दीदी को ससुराल ले गए अपने, पर अपने मतलब दीदी के ससुराल, बोलो आएंगे ना, क्लियर ही नहीं कहानी, ये समझ लो, जीजा जी आए दीदी को ससुराल ले गए, ठीक है ना बेटा, लड़की पर आया था ना, ठीक है, निकाला और ससुराल भेज दिया, क्लियर ही नहीं है। अब देखो जो चीज़ नीचे है, यहाँ पर जो आपने करा है, प्रेजेंट करा है, वही चीज़ देखो ऊपर भी होगी। 50,000 की एसेट है, कितना डेप लग गया 20। अब देखो बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, इसका और इसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 30। 30 का एसेट कितने में जिख रही है, 26 में जा रही है। क्या नजर आएगा यहाँ पे, बाय लॉस ऑन सेल, कितना मेरे बेटा 4। आया ही नहीं आया बेटा, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको समझाने में, क्लियर है ये नहीं है, हाँ ये ना, आधे बच्चों को कन्फ्यूज रहते हैं और आधे तो रट के चले आते हैं, देख लेंगे जो होगा देखा जाएगा जैसा भी है, क्लियर है ये नहीं है। बस अब देखो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन फाइंड हो जाएगी, टू कैशियर बैंक, क्या पता लग जाएगा, परचेज, क्योंकि डेप तो यहाँ लगता ही नहीं है, और यहाँ पता लग जाएगा तुमने डेप कितना लगाया, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन चल रहा है, ये रिकॉर्ड होता है, डेप पता लग जाएगा इस साल का डेप, ये होगा कौन सा डेप, करेंट ईयर का डेप। देखो 20 प्लस 100,000 माइनस 175, कितना 20 के डेप ना, 1,00,000। अच्छा ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये सही कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 100,000 और ये हो गया 170, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा ये 80, सही कर दिया, देख लो 170 170 20 माइनस 100,000, यहाँ पे पता लग जाएगा 90, ठीक है, और ये करो 20 प्लस 26 प्लस 4 प्लस 20 प्लस 5 50 माइनस 500,000, यहाँ पे पता लग गया तुमने 100,000 की एसेट परचेस करी है, बैलेंसिंग फिगर। अब भाई वही वाली बात है, अब यहाँ से अमाउंट उठाओ और पेल दो, कहाँ पे पेलोगे, CFS में, तो क्या बोलेंगे, BD CD, कहीं नहीं जाता इसमें 13 का घाटा। दूसरी बात देखो, यहाँ का डेबिट और यहीं का ही क्रेडिट हो रहा है ये, ठीक है ना, ये भी कहीं नहीं जाने वाला, क्यों, देखो एक बार याद रखना मेरे बेटा जी, CFS पे फर्क कब पड़ता है, या तो पैसा आ रहा हो पैसा जा रहा हो तब CFS, क्योंकि कैश फ्लो का मतलब पैसा आना जाना होता है, या तो पैसा आ रहा हो या जा रहा हो तब CFS फर्क पड़ता है, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट पर फर्क पड़ रहा हो तब CFS फर्क पड़ता है। अब यहीं डेबिट हो रहा है और यहीं क्रेडिट हो रहा है, तो ना कैश में फर्क पड़ रहा ना P&L में फर्क पड़ रहा, तो CFS में फर्क पड़ेगा ही नहीं। अच्छा डेप्रिसिएशन क्या होगा, ऑपरेटिंग में प्लस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग में, क्योंकि डेप्रिसिएशन खर्चा मान के माइनस कर दिया गया होगा, जबकि पैसा जाता नहीं है, बिना बात की माइनस है, प्लस करवा दिया ऑपरेटिंग में। ऐसे ही लॉस क्या होगा, सेम ऑपरेटिंग में प्लस कहाँ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में, क्योंकि लॉस को खर्चा मान के माइनस तो कर दिया, लॉस होने से कोई पैसा जाता नहीं है, बिना बात की प्रॉफिट में से माइनस है, प्लस करवा दिया।
सेल करना, परचेज करना, इन्वेस्टिंग माइनस सेल करना, इन्वेस्टिंग प्लस, बात खत्म। और अगर बाई चांस यहाँ पे लॉस ना हो के प्रॉफिट होता तो ऊपर की तरह डील कर दे, करना वही है, बस दो अकाउंट मुझे डील करने थे, वो मैंने आपके साथ डील कर लिए। क्लियर है? आई बात समझ में नहीं आई? बोलो हाँ या ना। कर लोगे? अगर मैं बोलूँगा इन्वेस्टिंग बना दोगे, इन्वेस्टिंग में तो ये आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो देखो 1,00,000 - 26,000 नेगेटिव, 74,000 का आंसर निकल कर आएगा इन्वेस्टिंग में। बोलो हाँ या ना। चले अच्छा, अब देखो मैंने क्या करा, इसे एग्जाम्पल को बिना इन्फॉर्मेशन के लिख दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि बिना इन्फॉर्मेशन के मिलता है ना हमें, ये तो हमें कैसे डील करना है ये पता होना बड़ा ज़रूरी है। तो देखो सीधी सीधी बात है, अगर मशीन ये प्रीवियस ईयर या करंट ईयर है, मैंने बोला ना हमारा रुख प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की ओर होना चाहिए, 5 से 50, तो तुम क्या बोलोगे इसे? कुछ नहीं बोलोगे, परचेजेस ऑफ मशीनरी बोल दोगे बस। ये परचेज है, बढ़ रही है ना, परचेज है 50,000 की, बस माइनस, और आंसर आ जाएगा माइनस का 50,000। और क्या लिख दोगे? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? बोलो आइए ना। और ये सारा एक्विटी डेप्रिसिएशन कैसे होगा? 1 से 71 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, 70,000 का डेप एक था फिर 71 हो गया, डेप बढ़ गया। तो डेप कब बढ़ेगा? डेप और लगेगा। तो अभी मानोगे डेप्रिसिएशन है, ऑपरेटिंग में प्लस कर दोगे डेप मान के, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ये कब करना है? जब इनके बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तब करना है आपने ये वाली बात। बात क्लियर हुई? तो मेरे बेटे देखो, इसमें आपके एग्जाम्पल के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करा है, इन नोट्स को बना लेना प्लीज़, ये नोट्स बनाने बड़े ज़रूरी हैं आप ही के लिए, ठीक है? इन्हें लिख लेना, समझ लेना, देख लेना, परख लेना। और बाकी देखो जितनी मैंने बातें सिखाई हैं उन सब के नोट्स मैंने बकायदा फॉर्मेट बना के, और कौन सा आइटम किधर जाना चाहिए, देखो यहाँ पर लिखा है फिक्स एसेट्स अकाउंट विदाउट ओपनिंग एक्विटी डेप्रिसिएशन, देखिए अकाउंट मेंटेन है WDV, मैंने बोला ना ये WDV में मेंटेन होते हैं, ठीक है ना? बुक वैल्यू रिटर्न ऑन वैल्यू बात एक ही होती है, बताया था ना ये बुक वैल्यू होती है। और मैंने बताया था कि मैं होता क्या है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, लॉस, प्रॉफिट, परचेज, डेप, सेल, बस। और कौन सा आइटम देखो किधर जाना है, मैंने बताया था हाईलाइट करके लिखा हुआ है, क्लियर है? कहाँ पे ऐड होगा, कहाँ पे लेस होगा, ये सारी बातें मैंने बता रखी हैं। पॉइंट टू भी रिमेंबर, डेप्रिसिएशन नॉट गिवन ऑन डेप इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ये बात हमेशा याद रखना। अच्छा, और यहाँ पे लिखा है इफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट, अगर देखो एक बार समझ लिया मैंने क्या बोला, अगर इन्वेस्टमेंट बेची है और एसेट बेची है और उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है, हो सकता है जैसे अभी लॉस हो रहा था प्रॉफिट हुआ है आपको, और प्रॉफिट आपने कहाँ डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया है, तो यहाँ पे देखो लिखा है नो इम्पैक्ट ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर वैसे तो मैं आगे आने वाले एपिसोड में ऐसा क्वेश्चन डील करूँ भाई आपके साथ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ मेरे बेटा जी मैंने आपको अभी बताया कि PNL ऑपरेटिंग में फ़र्क कब पड़ता है, जब PNL पे फ़र्क पड़ता है, प्रॉफिट लॉस पे। अगर आपने प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस में डाला है या लॉस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाला है तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट बेचने थे ये एसेट बेचने थे जो प्रॉफिट हुआ है उसे PNL में डाल के कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, कहाँ डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, तो PNL पे फ़र्क नहीं पड़ा। जब PNL पे फ़र्क नहीं पड़ा तो ऑपरेटिंग में भी कुछ होने वाला नहीं है। हम वैसे आगे जाके ऐसा क्वेश्चन डील करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने फिक्स एसेट अकाउंट बना रखा है मेरे बेटा जी, देखिए विद एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये बता दिया देखो, और मैंने देखो लिंक भी करा हुआ है यहाँ का डेबिट, वही दीदी वाला, ये दीदी हैं ठीक है ना, और ये जीजा जी हैं ठीक है ना, ये जीजा जी हैं, दीदी जीजा जी आए दीदी को ससुराल ले गए, क्लियर ही नहीं है, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्लियर ही नहीं है। ये सारे अकाउंट मैंने बना रखे हैं, नोट पढ़ लीजिएगा, क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर ओनली व्हेन लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट कंटेन सच आइटम बिकॉज इट मींस द फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द ओरिजिनल वैल्यू दैट इज कॉस्ट। बेटा वही वाली बात है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा अगर ये गिवन है तो, अदरवाइज ऑलवेज प्रिपेयरिंग सिंगल अकाउंट फिक्स एसेट अकाउंट, बस बात करें, अदरवाइज सिंगल अकाउंट मतलब अगर हमारी बैलेंस शीट में एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, अगर हमारी बैलेंस शीट में एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है तो बनेगा अकाउंट साथ में, नहीं तो नहीं बनेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मीन्स आफ्टर वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ये बात हमने सीख ली। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन मीन्स टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट इन यूज और एसेट सोल्ड, जो एसेट्स हमारे पास हैं और जो बिक रही हैं या बिक गई हैं
उनके ऊपर अब तक कितना डेप लग चुका है, लग चुका है, लगा नहीं है, लग चुका है, वो है एक्युमुलेटेड डेप। क्लियर ही नहीं है? फिर देखो मैंने बताया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन फिक्स एसेट, मैंने वही बताया कॉस माइनस स्क्वायर वैल्यू, अभी बना के दिखाया था, पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आएगा तो सॉरी, अगर वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है उल्टा है, उल्टा उल्टा, अगर वैल्यू नेगेटिव में आती है तो उसे प्रॉफिट बोलना, ज़्यादा का बेगा है, और पॉजिटिव में आती है तो उसे लॉस बोलना, कम में बेगा है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस समझना मेरे बेटा हमारे लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है ना, एक्सेप्शनल केस क्या है मेरे बेटा जी, ये समझ लो जरा, ये समझना बड़ा आसान है, बस एक मिनट की कहानी हो रह गई है। क्या है, समटाइम्स फिक्स एसेट्स आर शोन एट WDV वैल्यू इन बैलेंस शीट। देखो एक काम करते हैं, मुझे पता है एक्सेप्शनल नोट लिखा क्या है, मैं आपको समझा के दिखाता हूँ। ठीक है, देखो सपोज मान लो आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, यहां बनाते हैं मेरे बेटा, सपोज मान लो आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है और एक करंट ईयर की अमाउंट और एक प्रीवियस ईयर की अमाउंट, ये मान के चलते हैं। सपोज आपको मशीन दे रखी है और ये बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू WDV वैल्यू पे है। ठीक है, सपोज ये 20,000 रुपये की है और यहाँ 50,000 रुपये दे रखे हैं सपोज, और बैलेंस शीट के बाहर आपको दे रखी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको एक्यू मुलेटेड डेप्रिसिएशन दे दिया। ठीक है ना, कि मतलब एक तरह बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर तक का जो एक्युमुलेटेड डेप है वो है 30,000 रुपये और जो करंट ईयर का डेप हो गया वो गया 40,000 रुपये, सपोज ऐसे बोल दिया। क्लियर ही नहीं है, आपको इस तरीके से बता दिया इन्होंने। ठीक है, अब कह रहे हैं कि मतलब और भी कोई सेल परचेस की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कह रहे हैं अकाउंट बनाना है, तो अब हमारे मन में तो ये आता है कि भाई बैलेंस शीट के अंदर एक्युमुलेटेड डेप तो दे ही नहीं रखा, बैलेंस शीट के बाहर दे रखा है, बैलेंस शीट में तो खाली मशीन मशीन है, तो खाली एक अकाउंट बना लो। ये सिर्फ एक्सेप्शनल केस है, आप यहाँ पर क्या करना, यहाँ पे आपको सिर्फ डील करना बता रहा हूँ मेरे बेटे जी, मशीन अकाउंट अगर दे रखा है, इन्फॉर्मेशन तो डील करनी मैंने बता दी, साथ में एक्युमुलेटेड डेप भी बनाना। अब आपको पता है एक्युमुलेटेड डेप प्रीवियस ईयर CD इधर, ये इधर का आपको 30 और ये आपको इधर का 40, ऐसा ही है मेरे बेटा। और मशीन क्या होती है, BD CD, देखो ये बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू इनकी जिसमें डेप माइनस है, अगर मैं इसमें डेप जोड़ दूँ तो किस पर आ जाएगा, कॉस्ट पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो क्या है, मैंने क्या करा, प्रीवियस ईयर की दोनों अमाउंट, ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट जोड़ दी प्लस 30, ये कॉस्टली आया मेरे, मतलब कॉस्ट थी नहीं, कॉस्टली आया। देखो ना, ये सोचो ना, मुझे ये वाली वैल्यू दे रखी है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो अगर मैं ये लेस है, अगर मैं इसमें ये ऐड कर दूँ तो कॉस्ट पर आ जाऊँगा। ऐसे ही करा 50 और 40, यहाँ लिख दिया मैंने 90, मतलब एक तरीके से यहाँ मुझे गुमराह करने की कोशिश की जाएगी, मेरे आंसर को गलत करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप ये मान लो, अगर आपको एक्युमुलेटेड एडिशन इन्फॉर्मेशन में एक्युमुलेटेड डेप का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, तो वो ओपनिंग क्लोजिंग मशीन की ओपनिंग क्लोजिंग में ऐड कर देना, उसे कॉस्ट पे ले आना और फिर दोनों अकाउंट प्रिपेयर करना, और फिर जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फर्दर इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है, सेल परचेस वो डील करना, जैसे मैंने ऊपर करी थी, फर्दर इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है उसको डील कर लेना। क्या मेरी बात क्लियर है, ये एक्सेप्शन के लिए बताना चाह रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, समटाइम फिक्स एसेट आर शोन एट रिटन डाउन वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू इन द बैलेंस शीट, एंड एक्युमुलेटेड डेप इज गिवन इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इन सच केस द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इन द रेस्पेक्टिव फिक्स एसेट अकाउंट विल बी टोटल अमाउंट ऑफ बुक वैल्यू शोन इन बैलेंस शीट प्लस बैलेंस ऑफ एक्युमुलेटेड डेप एज पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब दोनों को ऐड करके हम फिर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़वा देता हूँ। देखो ये रहा इन्वेस्टिंग के बारे में, देखो लिखा हुआ है सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर एसेट बेचोगे जैसे प्लांट मशीनरी टूल्स टेंजिबल इंटेंजिबल, और देखो गुडविल परचेस का मतलब होता है, अगर गुडविल बैलेंस शीट में बढ़ रही है तो उसे गुडविल परचेस बोलते हैं, गुडविल परचेस करना, इन्वेस्टिंग में टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों डील होंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक सिक्योरिटी शेयर डिबेंचर, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड मिलना, इंटरेस्ट मिलना, रेंट मिलना, ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये था मेरे बेटा मेरी तरफ से आपके लिए एपिसोड नंबर 4, काफ़ी लंबा एपिसोड था ये,
लेकिन मेरे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट है जो आते ही आते हैं एग्जाम में, छपेंगे छपेंगे, मिलेंगे मिलेंगे, बिना इनके तो क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं होती। ये था मेरी तरफ से एपिसोड नंबर 4। इससे अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी कहीं पर भी आई है तो मुझे बताइएगा, बुझाइएगा, भाई ये सब कुछ समझा के जाएगा, सब कुछ करा के जाएगा, कुछ भी छिपा के नहीं जाऊँगा। एपिसोड नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट, आज के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, होप सो आपको वाला एपिसोड पसंद आया होगा। बैक टू बैक इसके एपिसोड और आएंगे, ठीक है ना। पूरी बातें, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करके जाऊंगा, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, ठीक है, आपके साथ हम एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहे हैं, उस व्हाट्सएप नंबर के साथ मतलब आप जो भी क्वेरी हो उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। बाकी आप अपनी क्वेरीज को कमेंट्स में डाल सकते हैं और कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट एपिसोड आपको किस कंसेप्ट पे, किस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे चाहिए वो मुझे बताइएगा। आपके लिए ही हूँ मैं और आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन बेटा एक बात रखना, आपके लिए वो वीडियो बनी है या नहीं बनी कैसे पता लगेगा आपको, बताइए। दो बातें करनी है, एक तो पहले लाइक करना है जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको मैं जो दे पा रहा हूँ वो सही कंसेप्ट है, सही कंटेंट दे पा रहा हूँ। दूसरी बात, आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाओगे तो सब्सक्राइब करने का फायदा नहीं रहेगा। बेल आइकन दबेगी तो आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ठोक दो, कुछ भी करो, मुझे मतलब नहीं है, लाइक हो जाना चाहिए। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू।